नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। से पिछले कुछ दिनों से बिहार में मॉनसून जो है कमज़ोर पड़ गया था, जिसके वजह से जो है लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई जा रही थी। तो वहीं किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि धान रोपने का समय चल रहा है, अच्छी बारिश धान को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है अब फसल भी नष्ट होने लगा था। लेकिन अब बता दें कि बिहार में मॉनसून जो है सक्रिय होने लगा है। 29 जुलाई से ही बिहार के कई ऐसे जिले है जहां पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। वहीं रविवार को भी पटना सहित कई ऐसे जिले थे जहां पर बारिश हुई है। वहीं बता दें कि आज मौसम विभाग ने पटना सहित 25 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, और सबसे ज्यादा जो है नवादा, कैमूर और रोहतास के लिए अलर्ट जारी किया गया है, और कहा गया है कि यहां पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। रविवार को पटना में भी कुछ जगह पर बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं पूर्वी पटना व बेली रोड के कुछ इलाकों में जो है झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है, वहीं अन्य इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश वाला जिला औरंगाबाद रहा, जहां पर 158 mm बारिश दर्ज की गई है। पटना में रविवार को कुछ जगहों पर जो है बूंदाबांदी हुई। पटना का अधिकतम तापमान में 2.7 डिग्री की गिरावट आई है, जिसके साथ ही पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना समेत 20 जिलों का पारा जो है नीचे आया है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी मॉनसून जो है सक्रिय हो चुका है। रविवार की सुबह यहाँ पर झमाझम बारिश हुई। करीब एक घंटे तक बारिश से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि मौसम जो है एकदम खुशनुमा देखने को मिला। वही बता दें कि लगातार बिहार में कुछ दिनों से जो है मॉनसून कमज़ोर पड़ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तापमान में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। वहीं आपको बता दें कि अब जो है अच्छी खबर है, क्योंकि 29 जुलाई से मॉनसून धीरे धीरे बिहार में सक्रिय होने लगा है। और वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में भी स्थिति यही है। हालांकि कल जो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, ये गलत साबित। वहीं बता दें कि आलम ये रहा कि गर्मी और उमस से लोगों के दिन में जो है पसीने छूट रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर भी जो है बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं बता दें कि बीते 24 घंटे में दिन का पारा जो है 1.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, और रात का पारा जो है 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है। बावजूद इसके दिन रात हो या मौसम और उमस भरी गर्मी से लोगों के सेहत पर असर पड़ रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान जो है 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से 1-1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। बता दें कि अगले 2 अगस्त तक जो है बारिश को लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। और आज की बात करिए तो आज बिहार के 25 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।